आप तो ब्लैकमेलर हो। हर फ्रंटियर के साथ इन्होंने बदतमीजी दिखाई, तो यूथ को थप्पड़ मारे गए, गालियां निकाली गई, सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिए गए कांग्रेस भवन के। कांग्रेस की लेडी थी भैया, मेरा नाम बदनाम होता। अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। चंडीगढ़ कांग्रेस में पिछले दिनों काफी हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि स्थानीय जो मतदाता हैं वे एक लगातार देख रहे चेहरे पवन कुमार बंसल को काफी पसंद कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आला हाईकमान की तरफ से मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से टिकट दिया, तो उसके बाद से ही चंडीगढ़ की लोकल इकाई में बहुत गर्मी आ गई, जहां एक और मनीष तिवारी चंडीगढ़ के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मनीष तिवारी को टिकट मिलते ही चंडीगढ़ में बगावत के सुर उठने लगे। लोकल कार्यकर्ता जो जी जान से पूरी निष्ठा से बरसों से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, उनकी अपनी राय है। विरोधाभास शुरू हुआ चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपा दुबे जी के साथ, जो पेशे से एडवोकेट हैं और काफ़ी सीनियर नेता हैं कांग्रेस की, जिनकी अच्छी पकड़ है चंडीगढ़ की जनता में। तो आइए मिलते हैं दीपा दुबे जी से और पूछते हैं उनके इस्तीफा देने की वजह और आगे की उनकी क्या प्लानिंग रहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। दीपा जी। हाँ जी। अभी मनीष तिवारी जी को जिस दिन से टिकट अनाउंस हुई है, चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं में तभी से थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है, इसकी एक्चुअल वजह क्या है जी? देखिए, ये नाराजगी जो है पिछले 8-9 महीने से चल रही है। वो नाराजगी जो है वो लक्की जी के साथ है, जो हमारे चंडीगढ़ के कांग्रेस के प्रधान हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो कारगुजारी है वो ठीक नहीं है। ये दिक्कत मेरे साथ नहीं, ये हर उस कार्यकर्ता के साथ आई। ये जो कारगुजारी आई, इनकी बहुत दिनों से हम लोगों ने कंप्लेंट की, इनको समझाने की कोशिश की, और ये एक महिला कांग्रेस के साथ नहीं हुआ, ये हर फ्रंटियर के साथ इन्होंने बदतमीजी दिखाई। इवन कि वहाँ पे कुर्सियाँ तक चली, लड़कों को, यूथ को थप्पड़ मारे गए, गालियां निकाली गई, बच्चों की पिटाई कराने के लिए लड़कों को बाहर से बुलाया गया। ये समस्याएं जो है वो कॉन्टिन्यूशन प्रोसेस में चल रही थी, और ये सारी समस्याएं हमने बंसल जी को बताई, क्योंकि बंसल जी हमारे चंडीगढ़ के मुख्य नेता थे कांग्रेस के। और जब उनको ये बात बताई तो उन्होंने ये कहा कि मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो कर सके या नहीं कर सके, वो तो जब 13 तारीख को मनीष तिवारी जी को टिकट मिली, 14 तारीख को ही इन्होंने इंस्टा पे अपनी एक पोस्ट डाली, जिसमें इन्होंने कहा लिखा पवन बंसल के साथ हुआ खेला, मनीष बंसल को मिली टिकट, और उसमें जो स्टिकर्स लगा रहे हैं वो मसल्स वाले लगा रहे हैं। तो ये जो 14 तारीख का कार्यक्रम इन्होंने अपने इंस्टा से पोस्ट किया, उसमें यूथ कांग्रेस का प्रधान भी चंडीगढ़ का खड़ा है और ये भी खड़े हैं, एक दूसरे को हक करके खड़े हैं और मसल्स के स्टिकर्स दिखा रहे हैं। तो जो जनता है वो रोष में थी, जनता को ये लगा, वो हम लोगों के पास घरों पे आ रहे हैं लोग, आम कार्यकर्ता, कि ये प्रधान जी ने क्या कर दिया। अब प्रधान जी ने तो जो करना था वो कर दिया, लेकिन उस चीज को एडमिशन के लिए प्रधान जी ने ये कहा कि मेरा इंस्टा का जो सोशल मीडिया का जो अकाउंट है वो मैं नहीं चलाता, वो NSUI का कोई लड़का चलाता है। तो मुझे ये नहीं समझ आई कि प्रधान जी हर चीज को एडमिशन कर रहे हैं। जो हम लोगों ने बींग ए महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, मुझे जो बातें पता चली वो मैंने मीडिया के राही बताई कि वहां पे याशी का अड्डा बन चुका है, प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है, महिला का सम्मान नहीं हो रहा, फफ्तियां कसी जाती हैं, और तो और एक महिला वहां पे 3 दिन रही जिसका हमें कोई वेयर अबाउट नहीं है। और आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी जिसमें मुझे ये भी पता चला कि उन दिनों में CCTV कैमरा भी बंद कर दिए गए कांग्रेस भवन के। तो जब यही चीजों के लिए मैंने उनसे बात की कि कौन महिला कांग्रेस की लेडी थी, भैया मेरा नाम बदनाम होता, तो वो कहती नहीं वो पंजाब से थी, उसको जरूरत थी रहने की, तो हमने उसको 3 दिन ठहराया। ये बातें जो है मुझे लगा कि मैं इस दलदल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैंने ये बात उठाई कि अगर बंसल जी की आप इज्जत नहीं कर सकते, किसी को टिकट मिले भाई कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको जिताने की क्या कोशिश कर रहे हो पब्लिकली? प्रधान होने के नाते आपकी एक गरिमा है, आपकी चेयर की गरिमा है। वो कहते हैं ना कि हमें बो करनी है चेयर को, चाहे उसके ऊपर कोई भी बैठा हो, अच्छा बैठा हो, बुरा बैठा हो, कोई भी बैठा हो, लेकिन क्या आपने गरिमा को समझाने की कोशिश की? नहीं की। उसके बाद आप ये कह रहे हो कि ये जो कार्यकर्ता दे रहे हैं रिजाइन, कल ही मैंने आपके माध्यम से मीडिया से ही मैंने देखा कि चाय के प्याले में तूफान आ रहा है। भैया तूफान नहीं, अब सुनामी आएगी। कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से लक्की जी को कि लक्की जी
इतना गैगर्ज होना और इतना खुदगर्ज होना वो कहां तक ठीक है? क्या नहीं मिला आपको? वो पार्टी नहीं दिया, आज मैं प्रधान के पद पे इस्तीफा दे रही हूँ तो मैं मुझे भी पार्टी नहीं उसके लिए भेजा। आज अगर मैं वहां आपके सामने समक्ष आपके बात करती हूँ तो प्लेटफॉर्म मिला वो पार्टी की वजह से ही मिला। लेकिन अगर आप पार्टी को देखें कि एक तरफ सारी पार्टी हो गई, 372 लोग इस्तीफा दे चुके हैं जो कार्यकर्ता है, तो मुझे बताओ कि आपके पास 10 लोग तो है नहीं, ये 20 लोगों की मीटिंगें करा रहे हैं जी मनीष तिवारी की, आप देखते ही हो इनके। और वो तो एक काउंसलर, मैं भी काउंसलर का लड़ी, लक्की जी भी 4 बार लड़े और 4 बार हारे, तो उसने उनको उनको को भी पता है कि कितने लोग हम लेके जाते थे। क्या ये एमपी को शोभा दे रही है? और एक बात करना चाहूंगी, जब ये बात हुई तो अगले ही दिन मनीष तिवारी जी बिना मुझे इंटीमेट करे मेरे घर आ गए, उसके साथ हमारे कुछ जो सीनियर नेता है कांग्रेस के चंडीगढ़ के वो भी उनके साथ थे। जब बातचीत हुई मैंने अपना ये दर्द बताया कि जी मैं उस दलदल का हिस्सा नहीं बनना चाहती, मैं राहुल जी के न्याय जो महिला के लिए न्याय गारंटिए हैं उनको लेके सड़क पे किस तरीके से चलूं। लोग मुझे पूछेंगे कि आपके वहां तो इतना कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे एंड में क्या जवाब दिया कि मुझे आई स्मेल डैट यू आर ब्लैकमेलर एंड योर टीम इज ब्लैकमेलर, यू आर ब्लैकमेलिंग मी लकी एज वेल एज कांग्रेस पार्टी। तो मेरे भी हाथ जुड़े कि भाई साहब आपको तो सब कुछ बना बनाया हम दे रहे हैं, मैंने आज से पहले आज तक मनीष तिवारी को नहीं देखा था, चंडीगढ़ पार्टी में इतना सक्रिय होने के बाद भी मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा। लेकिन अगर वो व्यक्ति का घमंड इतना ज्यादा है, वो कहता है हम लोगों जैसे कार्यकर्ताओं को जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं कि जी आप तो ब्लैकमेलर हो, तो भाई साहब नमस्कार है, आप जाइए अपना रास्ता देखिए। ये जो सोच है लक्की की सोच तो जो थी वो थी, वो तो सबके सामने आई गई, दुनिया ने वो चीज देखी। लेकिन जो मनीष की, जो मनीष तिवारी जी की सोच थी वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि गद्दारी हमने की आपके साथ, कि गद्दारी तो आप और लक्की मिलके आपस में कर रहे हो, और राहुल गांधी जी की जो वो बेचारा घर बार छोड़ के सड़कों के ऊपर जनता को साथ जोड़ रहा है, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं को तो साथ ही नहीं जोड़ पा रहे। एक बात और करना चाहूंगी, अब राजीव शुक्ला जी है वो हमारे प्रभारी हैं, वो यहाँ आते हैं अक्सर तो वो आईपीएल मैच के लिए आते हैं, लेकिन कार्यकर्ता से कभी रूबरू नहीं होते। वो भी आए, वो किसी कार्यकर्ता से नहीं मिले, तो मुझे तो ये लगता है कि सबकी मैनिपुलेशन है कि तिवारी जी को तो नमस्ते करानी करानी है चंडीगढ़ से, जो ये हालात बने हुए हैं। अगर एक महिला ने आवाज उठाई और विद प्रूफ उठाई और वो एडमिशन है दूसरी तरफ से, तो भैया उसको हटाने के लिए तो तिवारी जी कहते हैं इलेक्शनों में प्रधान नहीं हटाया जा सकता। तो आज महिला प्रधान जो आवाज उठा रही है महिलाओं की, चंडीगढ़ की महिलाओं की, उसको आप कह रहे हो कि हमने आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। मैं बहुत थैंकफुल हूं अलका लांबा जी का, मैंने जो इस्तीफा है वो अलका लांबा जी को नहीं भेजा, मेरी अपॉइंटमेंट 2019 में हुई, केसी वेणुगोपाल जी ने मुझे चिट्ठी दी, और उस समय सोनिया गांधी जी हमारे प्रधान थे। 2 बार की टर्नओवर मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ, और उसके बावजूद 3 प्रधान चंडीगढ़ से मैंने काम किया, लक्की तीसरा प्रधान है, पहले प्रदीप छाबड़ा जी थे, फिर चावला जी आए और अब ये है, और उसके साथ साथ नेशनल लेवल पे भी मैंने 3 प्रधानों के साथ काम किया, सुष्मिता देव थी, उसके बाद नेटा डिसूजा आई, और उसके बाद अलका लांबा जी आए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि नारी होने के कारण नारी की आवाज को दबाने का काम अलका लांबा जी ने किया। 64 लोगों का इस्तीफा गया है और दीपा दुबे का नाम सबसे ऊपर था, और दीपा दुबे का एक्सेप्ट कर लिया, बाकी कहां गए? और ये अलका लांबा जी के पास गया नहीं, ये गया है हमारे खड़गे के साहब के पास, क्योंकि वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है। अब ये सोचने की बात है कि अलका लांबा जी का आज चंडीगढ़ आने का टूर प्रोग्राम तो मुझे भेजा जा रहा है, लेकिन मुझे पद से मुक्त करने का चिट्ठी अभी तक ऑफिशियली मेरे पास नहीं आई। मुझे पता चलता है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि ऐसा ऐसा कार्य हुआ, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ, अलका जी का जी की भी सोच का बहुत स्वागत करती हूँ, जो महिला की आवाज को दबाने का काम कर रही है। चंडीगढ़ की महिला शांत होने में से नहीं है। अगर सच में देखा जाए तो हम राहुल गांधी की न्याय के असली योद्धा हैं। अगर आवाज घर में दिक्कत हो रही है और आवाज उठाओ और उसका ये रिजल्ट मिले तो इसका भी स्वागत है, पूर्ण रूप से हम तैयार हैं। और दूसरी बात, सब ग्रुपों से इनका डिलीट करने का मकसद क्या है? पोस्ट से मैंने रिजाइन दिया है, कांग्रेस पार्टी से तो रिजाइन नहीं दिया, ये दिखाता है इनका डर। हम एकजुट हैं और आज वो संख्या जो है और बढ़ेगी। लक्की जी को अकेले रह जाएंगे और तिवारी जी अकेले रह जाएंगे, और मुझे लगता है तिवारी जी की हार निश्चित करने के लिए लक्की जी ने ये सब काम किया।
और मैं ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जब तक प्रॉब्लम घर के अंदर होती है, रोग घर के अंदर होता है, तब तक व्यक्ति मेडिसिन लेता है। लेकिन जब रोग इतना बढ़ जाए, उसका ऑपरेशन करना पड़ जाए डॉक्टर को, और उसके बाद उसको वेंटिलेटर पे लगाना पड़ जाए पेशेंट को, तो वो आज चंडीगढ़ कांग्रेस की स्थिति हुई हुई है। और इसका एक ही एक अकेला एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, वो है श्री HS लक्की। दीपा जी, आपके जो आरोप हैं वो काफी गंभीर और संगीन है, और मैं ये मानता हूं कि एक जिम्मेदार वकील होने के नाते आपके पास वो साक्ष्य जरूर होंगे जिनके आधार पर आप ये आरोप लगा रही हैं। बिल्कुल, एक एक चीज का एविडेंस मेरे पास है, और तो और जो लक्की जी के एडमिशंस हैं कि हाँ ऐसा हुआ, वो भी मेरे पास है। अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि हाईकमान क्या चाहता है। बेसिकली घूम फिर के ये लोग कहते हैं कि जी ये सब पवन कुमार बंसल जी के गुट के लोग हैं, ये इसलिए पवन कुमार बंसल जी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भैया, पवन कुमार बंसल जी के लिए तो खेलना ना लिखता, हम तब भी काम करते, लेकिन अगर तू पवन कुमार बंसल जी की इज्जत नहीं कर सकता तो हम जैसे कार्यकर्ताओं की इज्जत का क्या है। आपने 10 दिन से देख लिया भैया, 15 तारीख को रिजाइन भेजे थे, 64 के 64 रिजाइन एक ही कागज पे गए हुए हैं, तो उनमें से पिक एंड चूज हुआ। ये सोच के सोचा कि अलका लांबा जी से मैं रिजाइन दिलवा दूं और अलका लांबा जी दीपा जी को फ्री कर दें, और दीपा जी को फ्री करने का बहुत बहुत धन्यवाद, दीपा जी अब कार्यकर्ता हैं, आवाज और बुलंदी से उठाएंगे। दीपा जी, ये आपकी विश्वसनीयता और निष्ठा का प्रतीक है जो आप पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी बता रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये एक गुटबंदी दिख रही है चंडीगढ़ कांग्रेस में, क्योंकि पवन कुमार बंसल जी ने अभी तक भी आकर किसी भी कार्यकर्ता को जिन्होंने इस्तीफा दिया है अपनी ओर से अपील नहीं की कि आप एकजुट होकर कांग्रेस में काम कीजिए। स्थानीय प्रत्याशी कोई भी हो, हमने कांग्रेस पार्टी को जिताना है, हमने पार्टी की जीत देखनी है। ये बात बिल्कुल आपकी गलत है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पवन कुमार बंसल जी ने कभी भी अपने किसी कार्यकर्ता को ये नहीं कहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो या इस आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। वो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि पार्टी ने, हाईकमान ने जिसको टिकट दी, आप लोगों का कर्तव्य है उसके साथ काम करना। वो भी झंडे के नीचे हैं, कांग्रेस पार्टी के हाथ के नीचे हैं, और हम लोग भी सब हाथ के नीचे हैं। उनकी तरफ से एक बार भी ये बात नहीं की गई कि आपको ये सब करना है। इवन कि जिस टाइम ये हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सब लोग इकट्ठे हुए इस्तीफा दिया, ये बात भी उनको नहीं पता थी। उनको आप लोगों के माध्यम से खबरें मिली और वो इस बात के लिए भी शॉक्ड थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जब उस इंसान की इज्जत नहीं है, वो इंसान शायद धैर्यवान हो सकता है, लेकिन हम लोग इतने धैर्यवान नहीं हो सकते कि वेलकम करें हर एक गलत चीज का और उसके साथ हम खड़े होके लोगों के पास जाके झूठी चीजें बोलें। उनका ये कहना कि 1000 व्यक्ति जब थी स्वागत किया जी तिवाड़ी जी का, अरे 1000 व्यक्ति तो आज तक मैंने कांग्रेस भवन में 2016 से आज तक नहीं देखा, ना वहां स्पेस है। झूठ क्यों बोलना, बाहर किया नहीं है लॉन में, अंदर किया है। 80 लोग तो गिनती की कुर्सियां, 80 तो अंदर वाले हॉल में लगती है और बाहर वाले हॉल में 150 कुर्सी लगती है, तो आप लगा लो, इसी से लगा लो। उसमें मैं ये भी सोचती हूँ कि 50 लोग जो खड़े भी रहे होंगे, 300 लोग से ज्यादा तो थे ही नहीं। और लक्की जी का ये कहना, ये भी तो मोदी जी की चाले चलते हैं, वो जुमले छोड़ते हैं तो ये कौन सा कम जुमले छोड़ रहे हैं। जुमलों पे दुनिया नहीं चल रही है, दुनिया हकीकत ढूंढ रही है। और सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति ये कह रहा था कि मुझे स्थानीय नेता चाहिए, तो अब स्थानीय कहां तक साबित हो सकते हैं तिवारी जी, ये सब लोगों को देखना पड़ेगा। दीपा जी, मनीष तिवारी जी तो अपनी हर एक लोकल सभा में यही बोलते हैं कि मैं लोकल हूं, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों ही चंडीगढ़ में जॉब करते थे और हम चंडीगढ़ सेक्टर 16 में के ही रहने वाले हैं, मेरी स्कूल और कॉलेज की जो भी स्टडी है वो चंडीगढ़ में हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? देखिए, मुझे उनके बारे में, मैंने आपको भी पहले भी बताया कि मुझे उनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही एक वीडियो देखी जिसमें वीडियो में ये बताया हुआ था कि उनका पैन कार्ड जो है वो लुधियाना का है, आधार कार्ड लुधियाना का है। उन्होंने जब अनंतपुर साहब से टिकट भरी, नॉमिनेशन पेपर्स भरे, तब भी उनका जो सारा डाटा था, वो सारा रिकॉर्ड था, वो सारा लुधियाने वाला ही चला। और चंडीगढ़ में तो अभी भी उनका कोई आधार नहीं है, ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना कोई है। पढ़ने से लिखने से, मैं दिल्ली में जाके पढ़ाई करूं और मैं कहूं मैं दिल्ली की वासी हूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। कितनी बार वो चंडीगढ़ आए,
वो कल मैंने एक वीडियो में देखा, वो कह रहे थे कि मैंने यहाँ पे ओपन जिम लगवाया। भैया ओपन जिम लगवाने से क्या लोगों की जो दुर्गति हुई इतने 10 सालों से, क्या आपने आके कभी उनका आंसू पोंछे? कॉलोनी वासी मालकियाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कॉलोनी वासी जो 3 से 3 हजार रुपया रेंट है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, उज्ज्वल योजना की बात कर रहे हैं, क्या आपने आके कभी किसी के आंसू पोंछे? आप कभी किसी के दुख में या सुख में आके खड़े हुए? मैंने तो एज ए महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट उनको कभी नहीं देखा। जब मैंने नहीं देखा तो आम जनता ने कहाँ देखा होगा। तो ये बहुत चीजें हैं भैया जो आज चल रही हैं लोगों के मन में। हमें भी कहाँ पता था कि ये लुधियाना से इनका आधार कार्ड है या कहाँ है, लेकिन वो वीडियो सब कुछ दिखा गई कि ये क्या है। सो बात करने की ये है, अच्छे होंगे अपनी जगह पे अच्छे होंगे, लेकिन आपको मैंने बता दिया एमपी के लिए संयम बहुत चाहिए। ये पंजाब नहीं है ना हरियाणा, चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की जनता बहुत समझदार है। एडामेंट बिहेवियर कभी नहीं चलेगा, चंडीगढ़ में तो खास कर नहीं चलेगा। और अगर महिला कांग्रेस के घर आके महिला कांग्रेस की अध्यक्षा को आप ये कह रहे हो, उसकी बात सुनने के बाद आपके पास जवाब नहीं था, आप इतना बखला गए कि आपने मुझे ये कह दिया कि आप सब आपकी टीम ब्लैकमेलर है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने के संचेत हैं और क्या अपनी भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं। ये थी मैडम दीपा दुबे, चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। इनके बयानों से ये तकरीबन नज़र आ रहा है कि जो चंडीगढ़ के वर्कर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो चंडीगढ़ की स्थानीय इकाई से संतुष्ट नहीं है। मैं खुशविंदर सिंह, कैमरामैन अशोक टंडन के साथ, अर्थ प्रकाश टीवी के लिए।